वास्तुशास्त्र के नियम हमारे जीवन में कई संकटों से छुटकारा दिलाने में कारगर साबित होते हैं। इसके लिए हमें वास्तु के नियमों का पालन करना जरूरी है। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि हमारे सनातन धर्म में सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए हमें वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए। आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जिससे हमारे सभी काम सफल होते हैं। इसी प्रकार धन से जुड़ी समस्याओं के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से धन की आर्थिक समस्याओं से के साथ कर्ज से भी निजात मिलता है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का यदि हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो निश्चित धन की प्राप्ति, आर्थिक उन्नति होती है, घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्जे ऋण संकट में नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार हम इन बातों को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण हम इन संकट आपत्ति विपत्ति में फंस जाते हैं। और यदि हम वास्तु के नियमों का भी पालन करें, क्योंकि तो हमारे धर्म से भी वास्तु जुड़ा हुआ है, वास्तु के नियम हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताए गए हैं, तो इन वास्तु के नियमों का भी यदि हम हमारे घर के अंदर पालन करते हैं तो मनचाही सफलता की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य के जो भंडार हैं वो भरे रहते हैं। जैसे कि घर में यदि घड़ी बंद है, बंद घड़ी आपने दीवार पर लटका करके रखी है तो समय रुका हुआ है, आपका भाग्य भी जो है उसी प्रकार अवरुद्ध है, तो वो आपके जीवन में कई प्रकार के विघ्नों को उत्पन्न करता है, आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न करता है, जिस और साथ ही साथ कर्ज जो है वो घटने का नाम नहीं लेता है, कर्जा बढ़ता ही रहता है। इसलिए घर में कदापि बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए, उस घड़ी को तुरंत आपको चालू करना चाहिए। तो यदि खराब हो गई है तो दीवार से उठा करके उसको अन्यत्र कहीं रख दें, लेकिन बंद घड़ी दीवार पर टांग करके नहीं रखना चाहिए। दूसरा, पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए, और घर में यदि कोई नल टपकता है उसमें से टप टप पानी टपकता ही रहता है तो यह भी जो है ना, ये वास्तु दोष है, ये आपके घर में धन को नहीं रुकने देता है। ऐसे नल लगातार बह रहा है, धन बहता रहता है और आपके घर में बरकत नहीं रहती है। पानी तो जीवन है, इस पानी की हमको रक्षा करना चाहिए और वास्तु के अनुसार भी पानी टपकना नहीं चाहिए, अशुभ होता है, धन की हानि होती है, खर्चा बढ़ता रहता है। और मेन गेट, हमारे घर का जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है, वह हमेशा स्वच्छता बनी रहने देना चाहिए। यहाँ पर्याप्त जगह है तो भूमि में कुछ वृक्ष हम बता रहे हैं, उन वृक्षों को आपको स्थापित करना चाहिए। कम जगह है तो गमलों में आपको कुछ वृक्ष हम आपको बता रहे हैं, वो आपको घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। तुलसी का वृक्ष हुआ, आंवले का वृक्ष हुआ, केले का वृक्ष हुआ, समी का वृक्ष हुआ, ये शुभ हैं, ये शुभ वृक्ष हैं, इनको अपने घर के मुख्य द्वार पर आजू बाजू उन वृक्षों को लगा करके रखना चाहिए। ऐसा करने से शुभ होता है हमारे जीवन में। घर से हम निकलते हैं, तुलसी माता के दर्शन करते हैं, आंवले के वृक्ष के दर्शन करते हैं, आंवले में भगवान विष्णु का निवास है, तो इन वृक्षों का हम दर्शन करते हुए घर से बाहर निकलते हैं। शुभ प्रतीक चिन्ह हमको घर के द्वार पर स्वास्तिक हुआ, इनके चिन्ह लगा करके रखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो है शाम को द्वार पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए और प्रातः काल दरवाजे पर रंगोली हमको बना करके रखना चाहिए। और घर में जो है आंवला, शमी, तुलसी, आजकल मनी प्लांट भी जो है, अन्य वास्तु जो पद्धति है उसमें मनी प्लांट, ट्री प्लांट इत्यादि वृक्षों का भी वर्णन आया है, तो इन आधुनिक वास्तु पद्धति को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इन वृक्षों को भी हम हमारे घर पे लगा करके रख सकते हैं। ऐसे सारे शुभ कार्य करते हैं यदि हम इन वास्तु दोषों को जो है उनको आप सुधरवाते हैं, ठीक करते हैं, तो निश्चित ही धन की वृद्धि होती है, ऋण समाप्त होता है और पूरे घर में पॉजिटिव ऊर्जा की हमको प्राप्ति होती है।